हेलो क्लास 12। तो कल का जो हमारा टॉपिक था कि वेपर प्रेशर और वाष्प दाब और उसे प्रभावित करने वाले कारक, तो हम इसी के संबंध में, वेपर प्रेशर के संबंध में राउल्ट द्वारा जो नियम प्रतिपादित किया गया था, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। हम विलयनों का वाष्प दाब के संदर्भ में जो राउल्ट का नियम था, उस नियम की व्याख्या करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो राउल्ट का नियम 1887 में दिया गया था। राउल्ट ने विभिन्न वाष्पशील द्रवों के वाष्प दाबों का अध्ययन किया, यानी उनका जो वेपर प्रेशर था उनका अध्ययन किया, और उन द्रवों के वाष्प दाब से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम के अनुसार राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों या वाष्पशील द्रवों के विलयन में, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। उस घटक के जो मोल प्रभाज है या मोल अंश के जो मोल फ्रैक्शन है, मोल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम है एक ऐसे विलयन के लिए जिसमें घटक वाष्पशील प्रकृति के हों। अर्थात हम किसी एक ऐसे विलयन की कल्पना कर रहे हैं जिसमें दो या दो से अधिक घटक हों और प्रत्येक घटक वाष्पशील प्रकृति का हो। तो ये जो नियम है ये कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब हम इसको डेरिवेट करेंगे, जो इसका राउल्ट का नियम है उसको हम देखते हैं कि राउल्ट का नियम क्या कहता है। हम मान के चल रहे हैं, माना हमारा एक विलयन है जिसमें दो घटक है, एक द्विअंगी विलयन है, बाइनरी सॉल्यूशन, ए और बी मिलकर एक विलयन का निर्माण कर रहे हैं। घटक ए को हम मान रहे हैं सॉल्यूट यानी विलेय, और घटक बी को हमने माना है सॉल्वेंट अर्थात विलायक। ए हमारा विलेय है, बी हमारा विलायक है। माना घटक ए का आंशिक वाष्प दाब जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो पी ए है। हमें मान के चलते हैं कि घटक ए का आंशिक वाष्प दाब कितना है, पी ए। ऐसे ही माना घटक बी का आंशिक वाष्प दाब हमारा है पीबी। ऐसे हम मान के चल रहे, माना घटक ए का मोल अंश यानी विलयन में घटक ए का जो मोल फ्रैक्शन है, जो मोल अंश है वो है काई ए। ऐसे ही घटक बी का विलयन में मोल अंश, घटक बी का मोल अंश जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू काई बी। तो हमें चार चीजें मिल गई, ये हमने मान के चले हैं सारे के सारे कि माना घटक ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए, घटक बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी, ऐसे ही घटक ए का मोल अंश काई ए और घटक बी का मोल अंश काई बी। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ यानी ये जो राउल्ट का नियम है उसके अनुसार हम कहते हैं, देखो राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि घटक ए का जो आंशिक वाष्प दाब है अर्थात पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट मीन्स काई ए। ये कहता है कि घटक ए का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक, ऐसे ही ये कहता है कि घटक बी का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, दैट मीन्स पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। ये राउल्ट के नियम के अनुसार होता है कि घटक ए का जो आंशिक वाष्प दाब है वो घटक ए के मोल अंश के समानुपाती,
और घटक बी का जो आंशिक वाष्प दाब है वो घटक बी के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी को। देखिए हमारे पास दो हमने इक्वेशन लिखी, पहला हमने लिखा पी ए प्रोपोर्शनल टू काई ए। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, पी ए इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट लग जाता है के इंटू काई ए, पी ए इज इक्वल टू के इंटू काई ए, ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसको हम वन मानते हैं। अब एक कंडीशन ले रहे हैं, माना घटक ए, माना घटक ए शुद्ध प्रावस्था में हो, घटक ए शुद्ध प्रावस्था में हो, यहां मान के चल रहे हैं कि केवल एक ही घटक हो, दूसरा घटक एब्सेंट हो, बी की बात हमने कहीं नहीं करी, हमें मान के चल रहे हैं कि केवल ए कंपोनेंट है हमारे पास, बी कंपोनेंट एब्सेंट है। तो हम कहते क्या है, यदि किसी विलयन में दो घटक है तो हम दोनों का जो मोल अंश होता है दैट मीन्स काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू वन होता है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि विलयन में जितने भी घटक होते हैं सबके मोल अंशों का योगफल कितना होता है, एक। अब हमको पता है, हम कह रहे हैं माना घटक ए शुद्ध प्रावस्था में हो, शुद्ध प्रावस्था में कब होगा, जब कोई दूसरा कंपोनेंट होगा ही नहीं, यानी केवल एक ही कंपोनेंट है हमारे पास, कौन सा है, ए। तो हम क्या कहेंगे, काई ए इज इक्वल टू वन, ठीक, समझ रहे हैं, क्योंकि अगर दो घटक होते तो हम क्या कहते हैं, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू वन, दोनों का मोल अंशों का योगफल कितना होता, एक। लेकिन क्योंकि हम शुद्ध प्रावस्था में मान रहे हैं, और शुद्ध प्रावस्था का मतलब क्या होता है कि कोई दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, केवल एक कंपोनेंट है, तो हमारा काई ए इज इक्वल टू वन, काई ए की जगह ये वैल्यू हम रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, अब घटक ए शुद्ध है, शुद्ध प्रावस्था में जब वाष्प दाब अगर हम दिखाते हैं तो उसको नॉट से शो किया जाता है, पी नॉट ए। अब पी ए नहीं होगा, पी ए क्या होता है, विलयन में उसका आंशिक वाष्प दाब, लेकिन जब शुद्ध प्रावस्था में होगा तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पी नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो हमने पी ए की जगह पर पी नॉट ए इसलिए लिखा क्योंकि ये कंडीशन क्या है, प्योर कंडीशन है। तो पी नॉट ए इज इक्वल टू के ऐसे ही रह जाएगा और एक्स ए की जगह क्या हो जाएगा, वन, यानी के इंटू वन, दैट मीन्स के इज इक्वल टू, हमको के की वैल्यू मिल गई, के इज इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए, के इज इक्वल टू पी नॉट ए। अब इस इक्वेशन टू से k की वैल्यू हम इक्वेशन वन में रख देते हैं तो हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये राउल के नियम का गणितीय निरूपण है। अभी इसको हम दोबारा से इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में हम लिखेंगे। अब ऐसे ही देखिए हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं, देखिए क्योंकि हमारे दो घटक है, पहला घटक पी ए था, ऐसे ही घटक बी का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। फिर से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो पी बी इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी, ठीक है यहां तक। अब क्या होगा, यदि हम मान के चल रहे माना घटक बी शुद्ध प्रावस्था में है, शुद्ध प्रावस्था में हो, यानी कोई दूसरा घटक प्रेजेंट नहीं है, अब दूसरा घटक है ही नहीं, एक ही घटक है, तो काई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। अब काई बी की वैल्यू यहां पुट अप करते हैं, क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू के इंटू वन, यानी हमारा सॉरी पी नॉट बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन शुद्ध प्रावस्था है, तो शुद्ध प्रावस्था में जो वाष्प दाब होता है उसको पी नॉट से शो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू, हमारी इक्वेशन आई देखिए, के इज इक्वल टू पी नॉट बी, पी नॉट बी की वैल्यू यहां पुट अप कर देते हैं तो हमारा क्या इक्वेशन हो जाएगी, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो हमारी दो इक्वेशन आ गई, हमारी इक्वेशन कितनी आई, दो इक्वेशन आई। अब मैं इसको दोबारा से मिटा रहा हूं और दोनों इक्वेशनों को साथ साथ देख रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, नंबर फर्स्ट इक्वेशन थी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, सेकेंड इक्वेशन थी पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। अब इन दोनों इक्वेशन के आधार पर राउल्ट के नियम को एक अन्य रूप में भी लिखा जाता है, इसके अनुसार बनाएंगे तो इसके अनुसार क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, ये घटक बी का आंशिक वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब यानी क्या कहेंगे हम, पी टोटल,
पी टोटल, कुल वाष्प दाब पी टोटल लिखो, पी सॉल्यूशन लिख दो, यहां पर आप सॉल्यूशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, एसओ एल लिख दिया, इज इक्वल टू क्या होगा, घटक ए का आंशिक वाष्प दाब धन घटक बी का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, तीन घटक होते तो प्लस पीसी, लेकिन हमारे पास क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है दो ही कंपोनेंट है तो पीए प्लस पीबी, यानी हम इसको लिख सकते हैं पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए की जगह पर हम वैल्यू रख लेते हैं पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ये हमारा राउट का नियम है। अब हम राउट को नियम को एक अन्य रूप में प्रदर्शित करेंगे इनके अकॉर्डिंग, क्या है देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या होगा राउट का नियम, किस प्रकार कहेंगे, हम कहेंगे कि वाष्पशील द्रवों के किसी विलयन में, वाष्पशील द्रवों के किसी विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध प्रावस्था में उसके वाष्प दाब, अब ये प्योर कंडीशन पे है नॉट लग गया तो इसका मतलब होता है शुद्ध प्रावस्था में उसके वाष्प दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये इसी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, अपने नई परिभाषा को हम इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, दो घटक है ए और बी, तो हमारा क्या देखो क्या नहीं है, राउंड का नियम क्या आया कि वाष्पशील द्रवों के, वाष्पशील द्रवों के किसी विलयन में, किसी विलयन में प्रत्येक घटक का, प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब यानी पीए और पीबी, आंशिक वाष्प दाब किसके बराबर होता है शुद्ध प्रावस्था में, शुद्ध प्रावस्था में उसके आंशिक वाष्प दाब, शुद्ध प्रावस्था में उसके वाष्प दाब व मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, वो मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमारा राउल के नियम का दूसरा रूप है। इसके आगे और भी जोड़ सकते हैं, वो विलयन का कुल वाष्प दाब, अब देखो इस लास्ट वाले के लिए आ रहे हैं हम, वो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या किसके बराबर होगा, कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के, दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है, आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है, यह हमारा राउल का नियम होगा। क्या निकला राउल का नियम कि वाष्पशील द्रवों के किसी विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध प्रावस्था में उसके वाष्प दाब व मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, यानी आंशिक घटक ए का आंशिक वाष्प दाब किसके बराबर है, शुद्ध प्रावस्था में घटक ए का वाष्प दाब गुणा उसका मोल अंश, ऐसे ही घटक बी का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध प्रावस्था में घटक बी का वाष्प दाब व उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, वो विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है, विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर घटक ए का वाष्प दाब धन घटक बी का वाष्प दाब। तो ये हमारा राउल का नियम है जो कहता है कि वाष्पशील द्रवों के किसी विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उनके मूल अंश के समानुपाती होता है। अब यदि हम पी ए व पी बी तथा काई ए व काई बी के मध्य एक ग्राफ डालें, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा आरेख के रूप में समझा रहा हूं, यदि हम दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब और उनके मोल अंशों के बीच में ग्राफ डालें तो वो ग्राफ एक रेखीय रूप में प्राप्त होता है, यानी एक रेखीय वक्र के रूप में प्राप्त होता है। किस तरीके से, देखिए इस ग्राफ को मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूं, गौर से समझना इस ग्राफ को क्या है, अब ये समझना, इस डायरेक्शन में हम मोल अंश ले रहे हैं और इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं वेपर
प्रेशर। ठीक, अब दो कंडीशन ले रहे हैं। देखो ये यहां पर इस बिंदु पर हम एक कंडीशन ले रहे हैं, एक्स ए इज इक्वल टू वन, एक्स बी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स यहां पर केवल एक घटक है हमारे पास, कौन सा घटक, एक्स ए। घटक ए का मूल अंश वन है, यानी घटक बी है ही नहीं, एक्स बी इज इक्वल टू जीरो। तो हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर केवल एक कंपोनेंट है आपका ए, और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, घटक ए के मूलों की संख्या कम होते जाती है और घटक बी के मूलों की संख्या बढ़ती जाती है, और यहां पर पहुंचने पर एक्स ए इज इक्वल टू जीरो, एक्स बी इज इक्वल टू वन। देखिए आप समझिए, यहां पर एक्स बी के जीरो मोल थे, धीरे धीरे एक्स बी के मोलों की संख्या वृद्धि हुई और यहां एक्स बी के कितने मोल हो गए, वन। यानी इस कंडीशन पर केवल एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, कौन सा वाला, बी। यहां पर देखिए एक्स ए इज इक्वल टू जीरो, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आए तो धीरे धीरे एक्स ए के मोलों की संख्या बढ़ रही है और कहां तक पहुंच जा रही है, वन तक। तो हम कहते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एक्स बी के मोलों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब एक्स बी के मोलों की संख्या बढ़ेगी तो एक्स बी का जो वेपर प्रेशर है, इसका जो वाष्प दाब है, वो भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। और एक कंडीशन पर जाकर वो किसके बराबर हो जाएगा, जब एक्स बी इज इक्वल टू वन हो गया तो यहां पर जो भी वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट बी। कैसे, क्योंकि यहां पर एक्स बी इज इक्वल टू वन है तो कंडीशन प्योर कंडीशन है, क्योंकि केवल बी कंपोनेंट है, तो यहां जो भी वाष्प दाब होगा वो किसका होगा, घटक बी का। ऐसे देखिए यहां एक्स ए के मोल आपके कितने हैं, जीरो। जब हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो एक्स ए के मोलों की संख्या बढ़ रही है, तो जब मोलों की संख्या बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो हमारा वाष्प दाब भी बढ़ेगा। और एक स्थिति में जाकर जब एक्स ए के मोलों की संख्या वन हो जाती है, वहां पर वो वाष्प दाब कहलाता है पी नॉट ए, यानी शुद्ध प्रावस्था में वाष्प दाब। तो वो कंडीशन कहलाती है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ठीक, अब जब इन दोनों लाइनों को हम मिलाते हैं, इन दोनों रेखाओं को जब हम मिलाते हैं तो ये मिल जाती है हमें विलयन का कुल वाष्प दाब, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यानी ये जो वक्र मिलेगा जो इन दोनों पॉइंट को मिला रहा है, पी नॉट ए और पी नॉट बी को, ये विलयन के वाष्प दाब को निरूपित करेगा। ये वाला जो लाइन है ये दर्शा रही है घटक बी के वाष्प दाब को, और जो ये वाली रेखा है ये दर्शा रही है घटक ए के वाष्प दाब को। और इस वक्र को अगर हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो जो फर्स्ट ग्राफ है, जो फर्स्ट लाइन है, वो किसको शो कर रही है, पी नॉट बी इज इक्वल टू, सॉरी पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। जो फर्स्ट वाली जो लाइन है वो शो कर रही है पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और जो सेकेंड वाली लाइन है ये शो कर रही है हमें पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, और थर्ड लाइन हमारी शो कर रही है विलयन के कुल वाष्प दाब को। तो ये एक ग्राफ है जो वाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम के लिए हम इस ग्राफ को बनाते हैं। इसके बाद जो सेकेंड आपका इसी में है राउल्ट का नियम, ये तो राउल्ट का नियम हमने किसके लिए लागू किया कि वाष्पशील द्रवों वाले विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। अब हम एक इसी को आगे बढ़ाते हैं, हम कहते हैं अवाष्पशील विलेय युक्त, यानी एक ऐसी कंडीशन ले रहे हैं जिसमें किसी द्रव में या किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए। सेकेंड कंडीशन ले रहे हैं हम कि अवाष्पशील अवाष्पशील विलेयुक्त अवाष्पशील विलेयुक्त विलयनों के लिए अवाष्पशील विलेयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। अब यह हमको पता है, हमने परसों पढ़ा था कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। इसी को हम वाष्प दाब में अवनमन भी कहते हैं, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन यानी घट जाना। कैसे होता है देखिए, अब हम एक ऐसे विलयन की कल्पना कर रहे हैं जिसमें दो घटक हैं, ए प्लस बी,
एक विलयन बना, हमारा एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। ठीक, हम ये मान के चल रहे हैं जो घटक ए है वो सॉल्यूट है, दैट मीन्स विलेय है, और घटक बी आपका सॉल्वेंट है अर्थात विलायक है। अब ये जो विलेय है ये अवाष्पशील है, ये क्या है? अवाष्पशील। और जो विलायक है वो कैसा है? वाष्पशील। अब ये समझना, ये अवाष्पशील है तो इसका कोई भी वाष्पदाब नहीं होगा, क्योंकि जब वाष्प बनेगी नहीं, अवाष्पशील का मतलब वाष्प नहीं बन रही है, और जब वाष्प नहीं बनेगी तो उसका कोई वाष्पदाब भी होगा नहीं। ये घटक जो है इसका वाष्पदाब होगा क्योंकि ये वाष्पशील है। अब राउंड का नियम क्या कहता है? देखिए राउंड का नियम हमारा कहता है कि पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, कहता है ना। लेकिन घटक ए क्या है आपका? अवाष्पशील। तो पी ए ही आपका जीरो हो गया। जब कोई वाष्पदाब होगा ही नहीं तो हम इसके वेपर प्रेशर को, क्योंकि वेपर प्रेशर होगा ही नहीं तो वो मोल अंश के समानुपाती नहीं हो सकता, तो हम कंपोनेंट ए को छोड़ देते हैं। हम लास्ट वाली इक्वेशन पे आते हैं। राउंड के नियम में क्या कहता है? पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? पी ए प्लस पी बी। ये तो होता है राउंड के नियम के अनुसार कि विलयन का कुल वाष्पदाब दोनों घटकों के आंशिक वाष्पदाबों के योगफल के बराबर होता है। अब हमें पता है क्योंकि पी ए इज इक्वल टू जीरो, क्यों कहा समझ रहे हैं? क्योंकि घटक ए अवाष्पशील है। कैसा है? अवाष्पशील है। ठीक हो गया ना, घटक ए अवाष्पशील है तो पी ए इज इक्वल टू जीरो। यानी हम क्या कहेंगे? पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी बी। पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी बी, या इसको थोड़ा आगे बढ़ाया तो क्या हो जाएगा? पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो इसके लिए भी राउल्ट का नियम आपका, आप राउल्ट के नियम का प्रतिपादन कर सकते हो यहां पर। कैसे? ये नियम कुछ इस प्रकार होगा, किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए, या हम कहते हैं किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब, ये विलयन का वाष्प है, वाष्पदाब है, समझते रहना। किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब वाष्पशील घटक के शुद्ध प्रावस्था में वाष्पदाब व उसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें हमने घटक ए की बात ही नहीं करनी है, क्योंकि घटक ए कैसा है? अवाष्पशील। तो ये क्या कहेंगे? किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का कुल वाष्पदाब, पी सॉल्यूशन क्या है? विलयन का कुल वाष्पदाब वाष्पशील घटक, क्योंकि बी आपका कैसा है? वाष्पशील। तो हम कहते हैं वाष्पशील घटक के शुद्ध प्रावस्था में आंशिक वाष्पदाब व मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ये कहलाता है राउल्ट का नियम, कैसे विलयनों के लिए? ऐसे विलयन जिसमें कोई अवाष्पशील विलेय उपस्थित हो, इसको हम वाष्पदाब में अवनमन भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो राउल्ट का नियम दो कंडीशन में हमने पढ़ा। एक तो हमने उस कंडीशन पर पढ़ा जहां पर दोनों घटक वाष्पशील थे, यानी ए और बी दोनों कैसे थे? वाष्पशील। तो वहां पर राउल्ट का नियम क्या कहता था? कि वाष्पशील द्रवों के किसी विलयन में प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्पदाब है वो उस घटक के शुद्ध प्रावस्था में वाष्पदाब तथा मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, तथा विलयन का कुल वाष्पदाब, पूरे विलयन का वाष्पदाब दोनों घटकों के आंशिक वाष्पदाबों के योगफल के बराबर होता है। और अवाष्पशील विलेय वाले विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है? कि किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का कुल वाष्पदाब वाष्पशील घटक के शुद्ध प्रावस्था में वाष्पदाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आज हमने बात करी कि राउल्ट का नियम क्या है, या विलयनों का वाष्पदाब और उसके मोल अंश के बीच में क्या संबंध होता है। तो किसी विलयन के वाष्पदाब और मोल अंश के बीच में जो संबंध था वो एफ राउल्ट द्वारा, फ्रांसीसी रसायनज्ञ एफ राउल्ट द्वारा 1887 में प्रतिपादित किया गया था, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में पढ़ा। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।